पर देखा था वो मेरा इंटरेक्शन उसी लेवल पर था, मैंने सोचा नहीं था उसके बारे में। हाँ ओके, शायद था एक सबका था इन पर। आई थिंक जितने भी यहाँ पर लड़के हैं उनको कहीं कभी ना कभी संगीता बोझ पर क्रश तो हुआ होगा। अच्छा नहीं हुआ है अब जब सामने है तो चेंज हुआ कुछ, मतलब क्या हुआ? Where do you want this to go? She's married, okay? No, 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 no. I just want to like, now how you see the change? Ki, matlab, ab after working with her, matlab, kaisa raha aapka? Writer kare tha na change. Nahi, ab, what's, ab, ab, no, anubhav. See, main honestly bolu to maine, you know, when, she's the first actress ya actor jinke saath maine kaam kiya hai. And, I, और टेलीविजन ही कई पर फिल्म ले लो आप, टेलीविजन ले लो, थिएटर ले लो, जहीं जिधर भी मैंने काम किया, एड्स अगर किए होंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद समबडी जो अपने प्यार से अपने टीम से इतना प्यार करती है। द शी इज़ द मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर आई एवर वर्क विद। और कभी कभी ऐसे दिन होते हैं कि मैं थक जाता हूँ या मैं बोलता हूँ कि यार वी हैव बीन वर्किंग एवरी डे, टीवी ऐसा मीडियम है कि आपका कोई एंड ही नहीं है, तो मैं थक जाता हूँ। बट शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग और ये आती है एंड शी सीज मी एंड शी सेज कि हेलो वेक अप, आज काम कर रहे हैं। तो द एंथुसियाज्म दैट शी हैज फॉर हर क्राफ्ट, फॉर हर वर्क, फॉर हर टीम, फॉर जस्ट फॉर लाइफ, आई एडमायर हर। और मैंने बहुत कुछ सीखा है इस शो के बाद या इवन नाउ, ये इस 100 एपिसोड्स में मैंने जितना सीखा है वो मैंने शायद अपने 30 सालों में नहीं सीखा। इट्स बीन ग्रेट। आप ये 30 और लोग जुड़ते गए और भी कलाकार शामिल हो गए तो और भी मतलब एंथुसियाज्म और स्पिरिट बढ़ती गई। जैसे डेलनाज भी आई, क्यों और भी जो लोग जैसे बढ़ते गए साथ साथ में तो और भी स्पिरिट बढ़ती गई शो की।
ये मत भूलो मेरा दिल पहले आया था इस पे. और भी इंटरेस्टिंग बढ़ता गया, और भी लोग आते गए. बिल्कुल बिल्कुल. और ये हर कहानी में ऐसा होता ही है, हम और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जब हमें सही लगता है, जब क्रिएटिव टीम को सही लगता है, तब अलग अलग मौके पर इंट्रोड्यूस हुआ जाता है. और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल कैरेक्टर्स हैं, लार्जर देन लाइफ नहीं है. और कभी कभी शायद थोड़ा ड्रामा बढ़ जाता है, बट आई थिंक वी एंजॉय डूइंग दैट और लोगों को भी देखने में मज़ा आता है. तो जितने भी एक्टर्स जुड़े हैं हमारे साथ, कैरेक्टर्स हालांकि ज़्यादातर सब शुरू से हैं, लेकिन बाद में जितने एक्टर्स जुड़े हैं, जितने कैरेक्टर्स बने हैं, नाम लेना चाहेंगे उनके मतलब सब अमित जी आए हैं, फिर मारू जी इज़ मेरा नाम नहीं. तो इन्होंने एक अलग रंग दिया है शो को. शो पंचगली में जिस लेवल से गुजर रहा था, अब बॉम्बे जुड़ चुका है, तो बॉम्बे और पंचगली में फर्क है और दो अलग 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 शहरों के लोग हैं. तो हाँ, एक अलग फ्लेवर आया है शो का. सो विच इज फैंटास्टिक. कोई और पूछ रहे हैं? अब थक गए ना? नहीं, मैं कि मतलब मैं यही पूछ रहा था. सब कोई बात नहीं, आपके मन में जो सवाल है इनके मन में. आप अपने आप की ये रूपरेखा कैसे बनाए रखती है? मतलब रूपरेखा अभी कितना केक खाया है तो, पर ये मेंटेन कर पाती हैं आप इतना, इतने सालों से आप टीवी इंडस्ट्री में इतनी खूबसूरत ये अपनी बनाए रख पाती हैं आप? हाँ बिल्कुल. इसलिए कैसे, किस तरह से? सबसे पहली बात, जैसे कि रुस्ता ने कहा, हाँ मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं, सिर्फ बहुत ज़्यादा प्यार है. मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, आई फील हैप्पी कि मुझे आज सेट पे जाना है, मुझे काम करना है. हाउ एवर टायरिंग द डे इज़ गोइंग टू बी, आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग. तो इसलिए मैं कभी थकती नहीं हूँ, इट कीप्स मी एनर्जाइज. सेकेंडली, अपने आप पर थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है. उस प्लान को देख के इंस्पायर होती हूँ, उस प्लान कितना अपने वर्कआउट्स और खाने पीने का ख्याल रखते हैं. तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उनसे सीखूँ, और सीखी भी हूँ. उन दोनों में कंपटीशन भी होता है कहीं भी, चलो ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं. तो हम दोनों जो है ना, हम लोग बहुत सिमिलर पर्सनालिटीज़ भी है. हमें शौक है खाना खाने का भी शौक है, बट अपने आप को हेल्दी रखने का, अपने आप को मेंटेन रखने का भी बहुत शौक है. तो इसे बैलेंस हम दोनों करते हैं. हम मिलते हैं तो खाने की जो बात होती है, जब स्नैक्स चलता है तो अगर समोसा आता है तो हम दोनों देखते हैं समोसे को, एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं आर यू गोना हैव दैट, शी सेज आर यू गोना हैव दैट, और फिर हम दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं. समोसा बेचारा उधर ही बैठा. एक लास्ट सृष्टि, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, हाउ इज शी इज अ प्रोड्यूसर? शी इज वेरी स्ट्रिक्ट और क्या? हमने सृष्टि पर ज़्यादा प्रेशर डाला है, सृष्टि ने कभी हम पर कोई प्रेशर नहीं डाला. हम ही सृष्टि को बार बार फोन करके बोलते हैं, यार सृष्टि अब क्या हो रहा है, कब करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, जो भी क्वेरीज रहते हैं हमारे मन में. बट रोज़ मूवीज़, मतलब सब जानते हैं कि रोज़ मूवीज़ कितनी अच्छी प्रोडक्शन हाउस है, जिसका श्रेय सृष्टि, सृष्टि के ब्रदर को जाता है, और जो उनकी लेगेसी है कंपनी की उसको जाता है, इनके जो प्रोडक्शन में जितने लोग हैं उनको जाता है. ये सब हमें कोशिश करते हैं कि जितना हम कंफर्टेबल फील कर सकें, हमारी दो बातें भी सुन लेते हैं कभी कभी. बट कभी कभी अभी तो इतना ही बोलना पड़ेगा. तो बट या, दे ऑल सपोर्ट अस अ लॉट, सो दे आर फैंटास्टिक. व्हाट क्या सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट. थ्री चीयर्स फॉर जी ले जरा. हिप हिप हुरे.